नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। वैसे तो पंचायतों में आए दिन कोई ना कोई निर्माण कार्य होते रहते हैं, चाहे सड़क निर्माण हो या नालियों के निर्माण, जिनको लेकर अक्सर सचिव सरपंचों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जब पंचायतों में किसी प्रकार का निर्माण कार्य वर्षों से नहीं किया गया हो और उसके बावजूद भी सचिव सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, तो इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीना जनपद पंचायत की, हरदोह ग्राम पंचायत के गांव शेखपुर की, जहां वर्षों से निर्माण कार्य नहीं किया गया, लेकिन कागजों में आंगनबाड़ी, आरसीसी रोड एवं नालियां बनकर तैयार हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा राशि एक साल पहले आंगनबाड़ी के नाम निकाली जा चुकी है। साथ ही आरसीसी रोड एवं नालियों के नाम पर भी फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। इस भारी भरकम घोटाले के सबूत शासन के ऐप पंचायत दर्पण में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। शिकायतकर्ता दशरथ सिंह यादव का कहना है, इस भ्रष्टाचार की शिकायत एसडीएम जनपद सीईओ से लेकर मुख्यमंत्री ऑनलाइन तक की गई। हालांकि सरकारी लुटेरों के कारनामों की लंबी फेहरिस्त हो सकती है, क्योंकि शेखपुर तो हरदोई पंचायत का एक गांव है जिसमें और भी कई गांव शामिल हैं। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद एसडीएम अमृता गर्ग का कहना है कि मामले में बड़े भ्रष्टाचार का अंदेशा है। मामले की जांच के लिए टीम तैयार कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद अहरवार। कौन सी गांव रहता है? शेखपुर गांव में रहता हूँ। अच्छा, किन मामलों में आपने शिकायत की? मैंने पूरे गांव में आरसीसी रोड नहीं है उसकी शिकायत की थी, तो सीओ साहब ने बताया था एक हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी, मगर 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हुई नहीं। सरपंच से बोला कि भाई हमारी वो शिकायत हुई थी, तो कब तक काम लगा रहे? सरपंच बोले तुम शिकायत करते रहो, कभी कुछ नहीं होगा। ऐसी शिकायतें बहुत होती हैं हम लोगों की, हम सुलझाती रहती हैं। सरपंच का कहना यही है, पहले से निकल चुका है, इसलिए तो उनसे बोला था, सचिव से बोला, सचिव बोले कि हम करवा देंगे। 15 दिन बोलते रहे, इसके बाद हम शिकायत करने गए तो वहाँ से भी फ़ोन आया, त्रिपाठी जी हैं कोई, उनसे फ़ोन लगवाया, सचिव ने बोल दिया, बोल दो आरसीसी होगी अगले पंचवर्षीय, इस पंचवर्षीय नहीं होगी। बंटू यादव नाम है हमारा, शेखपुर गांव में रहते हैं। ये रोड की ये परेशानी है कि बरसात में बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं और बहुत कीचड़ होती है। एक साल हो गई पैसा निकाले, 6 लाख रुपया रोड का निकाल लिया और 3 लाख रुपया नाली का निकाल लिया सचिव ने, वो खा गए। अर्जुन सिंह ठाकुर कहा, 2-4 बार कहा, मैंने परसों कहा था तो आए, बोले कि अब कल से तुम्हारी गिट्टी डरने लगे। हमने कहा अब क्या, बरसात निकल गई, 1 साल तुम्हें पैसा निकालती हुई हो गया, अभी तक नहीं डरवाया कि अब डरवा देंगे जब मैंने शिकायत का बोला तो अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन से नहीं आए, फिर बस बोल के चले गए थे आगे। हाँ, 1 साल पहले पैसा निकल चुका, दिल्ली के एक बार 1,85,000 रुपया निकाल लिए और एक बार 1 लाख रुपया निकाल लिए, वो कुछ भी काम नहीं करा, पैसा निकाल के खा गए। दशरथ सिंह यादव। आपने अभी शिकायत करी है पंचायत, क्या है पूरा मामला बताएं? मामला ये है कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है ग्राम पंचायत हरदोट में, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, और कुछ तो कार्य हुए ही नहीं और पैसा निकाल लिया गया। जैसे कि आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी करीब 10 लाख की लागत से 1-1.5 साल पहले बन चुकी है और यहाँ पर कुछ है नहीं, अभी कुछ बना ही नहीं, मतलब एक ईंट भी नहीं लगाई और सीधा सीधा गबन हो गया। कितना पैसा निकाल लिया?
करीब 10 लाख रुपए निकला है आंगनबाड़ी का, सार्वजनिक शौचालय का। कुछ सीसी निर्माण कार्यों में भी पैसा निकला है, वो भी सीसी रोड नहीं बनाए गए हैं। एक नाली निर्माण का भी निकला था, तो उसमें सीसी से नाली बनना थी, तो जो कि मैंने SDM महोदय को भी शिकायत करी थी और जनपद CO को भी आवेदन दिया था, जिसकी मेरे पास प्रति भी है, और मैं CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर चुका हूँ। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो शिकायत है अभी मेरे संज्ञान में आई है, इसके लिए मैं जो है जांच टीम गठित करूंगी और अधिकारियों की संयुक्त जांच कराने के बाद उसका रिपोर्ट आने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी। मैडम, जो जिस तरीके से उन्होंने पैसे निकाले हैं, कार दिए नहीं है, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी पैसे? पहले तो जाँच करवा लें और जाँच के बाद जो फैक्ट सामने आते हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। सरपंच, आदिवासी सरपंच महिला सरपंच, और उनके पति के द्वारा काम कराया जा रहा है, तो लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच तो कुछ करके पति के द्वारा पूरे काम कराए जाने से, तो ऐसे सरपंच पे भी क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, अब जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये सारी जो तथ्य हैं वो जांच के बाद ही सामने आएंगे।